नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी में बात करेंगे OIDAR सर्विसेज की, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज में। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट के द्वारा गेम्स हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जो नेटफ्लिक्स है, जियो सावन है, ये सारे जो फैसिलिटीज हैं, यूट्यूब है, इन सब के ऊपर जो सर्विसेज होती हैं वो OIDAR सर्विसेज कब कहलाती हैं, कैसे कहलाती हैं, क्या कंडीशंस हैं, कौन सी इंक्लूड होती है OIDAR में और कौन सी एक्सक्लूड होती हैं। हमने एक ये सीरीज चलाई है, आज हम OIDAR सर्विसेज क्या होती है वो समझेंगे। अगली वीडियो में हम इसकी टैक्सेबिलिटी जीएसटी के अंदर की बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ IGST एक्ट की बात करेंगे। यहां पर OIDAR सर्विसेज की डेफिनेशन दी गई है। यहां पर कहा गया है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज मींस सर्विसेज व्हिच डिलीवरी। यहां पर चार मेन कंडीशंस की बात की गई है। अगर ये चार मेन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो सर्विस OIDAR में शामिल हो जाती है। तो जिसकी सर्विस मीडिएट होती है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सबसे पहले इट इज हैज टू बी ओवर द इंटरनेट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, नेचर ऑफ सप्लाई इसेंशियली ऑटोमेटेड होनी चाहिए। इसेंशियली ऑटोमेटेड मतलब प्रोसेस सिस्टमेटिक ऑटोमेशन के हिसाब से होनी चाहिए। और तीसरा, विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए। चौथा, इम्पॉसिबल टू इंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये चार कंडीशंस हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इसेंशियली ऑटोमेटेड विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इम्पॉसिबल टू इंश्योर विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चार कंडीशंस जो हैं, अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो OIDAR में फॉल होती हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ IGST एक्ट। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इस डेफिनेशन के सेक्शन में ही कि कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं OIDAR में, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सिर्फ एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूड्स वर्ड है उसमें, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है। तो मैं पढ़ रहा हूं, एडवर्टाइजिंग ओवर द नेट। अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजिंग, मतलब आपने यूट्यूब FB पर कोई, फेसबुक पर कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब या FB के द्वारा वो OIDAR सर्विसेज है। उसके बाद प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी, क्लाउड फैसिलिटी दी जा रही है, स्टोरेज फैसिलिटी दी जा रही है, इस तरह की क्लाउड पे कोई भी कंप्यूटिंग हो रही है, कोई नेटवर्किंग हो रही है, तो वो OIDAR सर्विसेज है। ई-बुक्स प्रोवाइड करना, मूवी प्रोवाइड करना, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, वो भी OIDAR में फॉल करती हैं। कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क, वो भी OIDAR सर्विस है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप देते हैं क्लाउड बेस्ड, वो भी OIDAR सर्विसेज है। ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, जो भी हमारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon, Spotify, जियो सावन, ये सारे टेलीविजन शोज, मूवीज, म्यूजिक और दी लाइक फैसिलिटीज जो है ऑनलाइन सप्लाईज देते हैं डिजिटल कंटेंट की, ये सारी सर्विसेज भी जो ये दे रहे हैं ये OIDAR सर्विसेज हैं। डिजिटल डाटा स्टोरेज जो गूगल ड्राइव देता है वो भी डिजिटल डाटा स्टोरेज है। उस तरह की जितनी भी सर्विसेज जो भी दे रहा है वो भी OIDAR सर्विसेज है। और ऑनलाइन गेमिंग, जितने भी ये ड्रीम इलेवन या XYZ जो भी चल रहे हैं, जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग है, चाहे वो पेटीएम पे हो, चाहे वो किसी भी और सॉफ्टवेयर पे, ऐप पे हो, वो भी OIDAR सर्विसेज है। इसमें इंक्लूड करते हैं ये सारी चीजें। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम इनकी टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन टैक्स पे करेगा इसके ऊपर, यूट्यूब पे करेगा, गेमिंग ऐप पे करेगी, गूगल ड्राइव पे करेगा, कौन पे करेगा इसके ऊपर, नेटफ्लिक्स पे करेगा और या रेसिपिएंट ऑफ दोस सप्लाईज पे करेगा। तो ये जानना जरूरी है कौन कौन सी सप्लाईज OIDAR में शामिल होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस वीडियो को यही खत्म करते हैं कि अगर आप, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिए, आजकल पेंडेमिक के दौरान सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। इवन हमारे वेबिनार्स, जो पहले सेमिनार होते थे, वो सारे वेब पर हो गए हैं, वेबिनार हो गए हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर मैं कोई वेबिनार देता हूं तो क्या ये OIDAR सर्विसेज है? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन, तभी सप्लाई बनेगी। तो क्या ये OIDAR सर्विसेज है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो ही वो OIDAR सर्विसेज है। लेकिन जहां पर मैं पर्सनली लाइव क्लासेस देता हूं या कोई भी लाइव कोचिंग देता है तो वो OIDAR नहीं होंगी। लेकिन अगर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके नेट पर हैं, यूट्यूब पे हैं या आपकी वेबसाइट पे हैं, जैसे यूट्यूब पे हैं या उडमी पे हैं या अन अकेडमी पे हैं, तो वो
सारी ऑनलाइन जो जो बायजूस हैं, ये सारे जो ऑनलाइन ऑलरेडी कंटेंट वहां पर वीडियोस का पड़ा हुआ है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज में इंक्लूड होगा, लेकिन लाइव क्लासेस क्योंकि वहां पर विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वही चार कंडीशन पूरी करनी है, विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए लाइव क्लासेस जो है OIDAR नहीं होंगी, ये अदर देन OIDAR कोई भी सर्विसेज हो सकती है, इस बात को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन वो 18% पे फॉरवर्ड चार्ज में टेक्स्ट जो लाइव क्लासेस की हैं वो टैक्सेबल होंगी। तो मेरे हिसाब से OIDAR को हमने बहुत एग्जॉस्टिवली समझ लिया, अगले वीडियो में हम इनकी टैक्सेबिलिटी अंडर GST की बात करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।